आज हम सखी हसन कब्रिस्तान आए हैं और इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ बताना हो तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये तो जाने ही कब्रिस्तान वाकयात के नाम से ही जाता है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ सबको दिखी है और काफ़ी हॉन्टेड कब्रिस्तान में ये आता है। इससे पहले मोहम्मद शाह गए थे तो वो नहीं आता था, लेकिन वही कि वो जिसका नाम नहीं होता वही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं कोई तो है कि मुदम्मिल अहमद भाई, इन्होंने भी हॉन्टेड शो किया था लेकिन ये अपनी टीम की वजह से नहीं फिर इन्होंने आगे वो किया स्टार्ट। तो अब इन्होंने फिर हमसे रब्ता किया, इन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ आना है और शो करना है, तो हमारी तरफ से तो मोस्ट वेलकम है, जिसे भी आना है वो आए। और हम पहले ही आगाज़ कर रहे हैं यहाँ पे कब्रिस्तान से, पहले हम तो कर चुके हैं दो कब्रिस्तान, ये आपका पहला है बल्कि मेरा पहला है, मेरा कब्रिस्तान में पहला एपिसोड है। तो ये कि आज देखते हैं क्या होता है। और आज हम लोग जो आए हैं ना यहाँ पे, हम लोग चूँकि बड़ी कितनी भी देर हो जाए हम लोग लेकिन उस चीज़ को रिकॉर्ड करके जाएंगे और आप लोगों को दिखा के जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ के हम लोग आए ना हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ दिखा के जाएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। बाकी जो होगा फिर आपके सामने ही होगा, क्योंकि अक्सर चीज़ें यहाँ तो कब्रिस्तान में तो खासतौर पर रूहें वगैरह हमें दिखी हैं मोहम्मद, वो तो आप लोगों के सामने ही है ना वो सब वाकियात। तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है और उम्मीद है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि कब्रिस्तान का फिर माइंड इसीलिए बन गया कि रूहें वगैरह और ये सब चीज़ें कब्रिस्तान में हैं और जिन वगैरह भी मलीर में दिखे हैं। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं किस नौयत का है, क्योंकि इस बारे में यहाँ बहुत मशहूर है जिन्नातों के हवाले से। स्टार्टिंग में भी वैसे वो पता चल गया, वो तो जाहिर है, वो तो बिल्कुल हो रहा था हम लोगों को ना आसपास से। तो आज देखते हैं जनाब क्या होता है क्या नहीं, और बाकी जो आना चाहे उसके लिए वेलकम है वो आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रिकॉर्ड हुई है मेरे बात करने पे, ये रिकॉर्ड हुई है। तेरा नाम क्या है? अहमद।
अहमद देखोगी अब जो है ना कुत्तों का बहुत ही रिकॉर्ड हुई है मेरे बात बात करने पे ही रिकॉर्ड हुई है सही तेरा नाम क्या है अहमद देखोगी अब जो है ना कुत्तों का बहुत ये सिर्फ देखने आया बात सुन अब मैं तुझे बताऊं ये थे जख्मी नहीं है तू इसका इशारा नहीं समझ रहा अहमद तू ऐसे रहियो अहमद तू इसका इशारा नहीं समझ रहा ये कुतिया हमें उधर ले जा रही है जहाँ उसकी गढ़ है अपन दोनों जो हम लोग जो स्प्लिट हुए ना मतलब मैं कोई वही बात कह रहा था कि अगर हम लोग स्प्लिट हुए तो इनके भारी रिएक्शन आएगा और रिएक्शन अभी आने वाला है मैं तेरे को दिखाता हूँ अभी देखिए यहाँ खड़ी हुई है और अहमद तू इसको रिकॉर्ड कर पास इधर ही रह मैं आगे जाता हूँ ये देख मुझे रास्ता कैसे बताएगी कहाँ पे जाना है ये कुतिया सरदार को बुला दे इधर आ गया मैं सुन रहा हूं आ जाएंगे सरदार कुतिया आओ मैं इसको लाया हूं सरदार पास हम यहां खड़े हुए थे हम यहां बातें कर रहे हैं ना ठीक है मैं बात कर रहा हूं तुमसे ठीक है हुआ सीन पता है क्या सीन ये हुआ कुतिया यहां पे आई है पहले हम लोगों को देखा है जब हमारी नजर पड़ी ना बस ये बात सुन इशारा करते हुए जब बाहर अभी नहीं जा बाबर अभी नहीं जा बात सुन बुल्ला इशारा करते हुए यहाँ गई है मैंने उसको बोला है अहमद को अहमद देख इसने इशारा दिया है अगर मैं अभी वहाँ जाऊँगा ना तो ये मुझे अंदर लेके जाएगी मैंने सिर्फ उसको ये बोला है कि हाँ भाई कहाँ जाना है वो वहाँ ही अंदर गई है हाँ विजिट कर अच्छा अकेले आना पड़ेगा साथ देख इसने बताया इधर गई इधर ही गई चल चल क्या हुआ मैंने साफ बताया था कि ये वही लेके जा रही है ये वही जगह लेके जा रही है जहाँ उसका गढ़ है जो हमने बातें करी ना जो हमने कहा कि हमें मौजूद होने का
वो चीखने की आवाज है। उसने जो ना क्या बाबर इधर आ जा यार, बाबर तू ना पिटने वाले काम कर रहा है, क्या कर रहा है यार तू, साथ रह ले भाई। जो भी चीज है हमारा ये तो मार रहा हूं, अपने भी मार सकते हैं, तो अभी हम लोग से कह रहे हैं जा। हां ये कोई इंसान तो नहीं है, वाकई कोई नहीं, गैर मरी है, वाकई गैर मरी मतलब। हां नहीं वाकई इंसान ऊपर से कम आ रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ तो जहाँ सही नहीं है बार बार वो कर रहे हैं। तेरे को मैंने क्या बोला था, तेरे को मैंने इसको लाइट मांगी, तेरे को मैंने क्या बोला कि हम लोग जाएंगे तो रिएक्शन आएगा, देख लिया रिएक्शन भाई, देख लिया अहमद, तो मेरे पास भी रिकॉर्ड हुई है, अहमद तो भागा वहाँ से निकल गया, देख लिया ये भागा है कि किसी से वाला हूँ, पता नहीं किसी से वाला टप पर आ गया, तू भागा किस तरह निकल गया, ये ऐसे फौरन पीछे की तरफ भागा है, पता ऐसा भी नहीं लग रहा यार, वो कुतिया में जहाँ ले जा रही है कुतिया यहीं गई है ना, आराम से आराम से, अरे मुजम्मिल तू आराम से बोल, तू मेला उठाएगा कुतिया की, हमने शक्ल भी कॉल कर ली ना, उठ तेरी, एक मिनट रुको रुको रुको, कोई कुछ नहीं बोलना, क्या हमारे अलावा यहाँ कोई मौजूद है, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम आपको देखने आए हैं, एडी आपको नुकसान नहीं देगा, क्या हुआ कि रिकॉर्ड हुआ था, सामने आ सकते हैं, मस्जिद वाले आ जाएंगे, बाकी आवाज यहीं से आई थी ना, और ये तेरी कुत्ता है वे सामने, वही कुत्ती है ना जिसको तू, इसकी रेड आती है, नहीं नहीं यार अल्लाह की कसम इसकी रेड आती है, वही कुत्ती है, कुतिया भी नहीं लग रही मेरे को, तो कहाँ पे बात सुन लेकर आ गया, कुतिया है वे, है लेकिन वो चीज़ नहीं है, घर में नहीं है, फोन निकल रहा है आंखों से, हाँ भाई इसकी चाल तो देख, कुतिया कौन सी ऐसी चाल दिखाती है, इधर है इसके बात करके देखता हूँ, आराम से ज़्यादा जोर से मत चिल्लाइए, तू डरता बहुत है यार, नहीं भाई जिन होता अपनी जगह से हिलता नहीं, हो अबे वो हमसे डर के भाग रही है, बाबर अबे ये ऊपर से कुछ गिर रहा है, नहीं नहीं किसी ठीक है, ये डरा रहे हैं हमें, ये हमें डरा रहे हैं, जो भी हैं वो कम तो दूर नहीं, तो कोई चुप हो, अच्छा क्या हमारे अलावा यहाँ कोई मौजूद है, देखिए हमें पता है आप यहाँ हैं, आप अपनी मौजूदगी जाहिर कर दें, हम यहाँ से चले जाएंगे बिना नुकसान पहुँचाए, अपनी मौजूदगी का जाहिर कर सकते हैं तो कीजिएगा, वो नमक कीजिए, गिरा क्या है यार, बात सुनो, मुझे पत्थर टाइप लग रहा था कुछ, पत्थर उससे पहले पटाखा बज जाए, समझ 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 समझ, अबे दो आंखें निकल दो भी शायद, बाबर हमारे अलावा यहाँ कोई मौजूद है, ये समझ नहीं आया आवाज़ वाला हिसाब किताब ना, क्या हुआ, यही तो बोल
हाँ दो दफा आ चुकी है और एक जगह अरे कोई कुछ कर रहा है वो हमें इजहार कर रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाएं अबे अहमद वहाँ रंगी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं बाबर वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे दिलदार अभी एक पत्थर फेंका दिलदार पत्थर हाँ हाँ पता है ये क्या गड्ढे जो कौन सा दिलदार वहाँ उसको रिकॉर्ड हो रहा है कुछ देखा है अरे यार तू कहाँ किसकी बातों पे यकीन कर